नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। पिछले दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी से मिलने के आरोप लगाए थे। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। मामले की अपडेट के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। बीते कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी से मिलने का आरोप लगाया। इसके बाद चुनावी रणनीतिकार ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन पर उम्र का असर दिखने लगा है। अब इन दोनों की जुबानी जंग के बीच समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतर गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ा दावा किया है। आईपी सिंह ने इस मामले पर ट्वीट कर लिखा, पीके भाई, आपके चाचा मोदी की उम्र तो दिन प्रतिदिन घट रही है, क्यों? सनद रहे कि सो कॉल्ड स्ट्रेटजिस्ट की दुकान धूमल में कुछ वर्ष पहले चल गई थी, जो अब बंद हो गई है, इसलिए लौट के बुद्धू घर आ गए। ये महाशय बीजेपी में वापस चले गए हैं और विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल बीते दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के आरोप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। सीएम नीतीश ने पीके पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर ने उन्हें जेडीयू को कांग्रेस से मिलवाने की सलाह दी थी। नीतीश कुमार ने पीके के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ऑफर भी दिया था। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार कह रहे थे कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, फिर खुद ही कहते हैं कि मैंने उन्हें कांग्रेस के साथ विलय करने को कहा। नीतीश भ्रमित और राजनीतिक रूप से अलग थलग होते जा रहे हैं। वह उन लोगों से घिरे हुए हैं जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकते। बता दे कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने जन सूरज यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया था कि नीतीश कुमार ने उन्हें मुलाकात के दौरान यह ऑफर दिया था कि वह उनका उत्तराधिकारी बन जाएं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना है। बिहार के लोगों से जो वादा किया है उसे पूरा करना है। समाजवादी पार्टी नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते हुए प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिसके बाद से ही जुबानी जंग जारी हो गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।